Assalamu alaikum, sir. Sir, I am Zanfar Adnan and the student of BBA honors at the Islamic University of Bahawalpur and the former student of Quran College as well. Sir, my question is, as you have delivered in your many speeches, that it is prohibited in Islam to do work in any bank because there is interest involved and interest is prohibited in Islam. So, what's your views about the multinational companies in anywhere in Pakistan or the whole world? Aakhri baat dobara ki. What's your views about the multinational companies? Multinational. देखिए, एक तो ये है कि जो आप बैठे अब, हमारा कोई कारोबारी इदारा सूद से पाक नहीं है और हमारी फिजा सूद से पाक नहीं है। फिजा में, जैसा कि हुजूर की हदीस है, गुबार या दुखान, धुआं या गुबार, सूद का ये लाजमन होगा और हर शख्स सांस लेगा तो उसके अंदर सूद जाएगा। अलबत्त यहाँ ये है कि कुछ इदारे जो हैं सद फीसद सूद पर हैं कायम, कुछ जुजवी तौर पर हैं। अब मसलन एक बैंक है, उसका तो काम ही सूद पर है। कम शरे सूद पर डिपॉजिट्स लो, ज़्यादा शरे सूद पर लोगों को कर्ज दो, ये डिफरेंस जो है तुम्हारी कमाई है। बाकी अगर कोई और काम भी वो करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मनी, आपने यहाँ से वहाँ पूरी रकम पहुँचानी है, बैंक कर देगा, उसके ऊपर आपसे कोई कमीशन ले लेगा, ये जायज़ है, इसमें कोई हराम बात नहीं है। वो एक खिदमत उन्होंने की है, या उन्होंने लॉकर बना दिया है, वो लॉकर जो है उसके अंदर आपने जेवरात जाकर रख दिए, पैसे रख दिए, अब उसका वो किराया लेते, जायज है, कोई हराम नहीं है। लेकिन ये सूद पर कर्ज देना और सूद पर डिपॉजिट देना, ये हराम है। और असल जो है बैंकिंग का निज़ाम वो इसी पर है, लिहाजा ये जगह तो ऐसी है कि इस पर तो इंसान को किसी तरह भी इसमें शरीक नहीं होना चाहिए और इसके अंदर मुलाजमत नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा मामला है, एक टेक्सटाइल मिल है, वो कायम किया गया है सूदी कर्जे पर। अब वहाँ एक शख्स जो है टेक्सटाइल मिल में काम कर रहा है, एक मजदूर काम कर रहा है, वो खड़ा हुआ है एक मशीन के ऊपर जो है, वो स्पिनिंग की मशीन है या जो भी मशीन है उसके ऊपर खड़ा काम कर रहा है। अब ये क्या ये उसी दर्जे में आ जाएगा या क्या नहीं? या वहाँ पर भी कोई अकाउंटेंट काम कर रहा है, वो अकाउंटेंट जो है जाहिर बात है सूद की एंट्रीज जो है अपने बुक्स के अंदर अपने रजिस्टरों में दाखिल कर रहा है, लिख रहा है, तो क्या वो भी उसी? तो अब इसमें ये हो गया, यहाँ हो गया सानवी दर्जे में, क्योंकि वो मालिक जो है उसके टेक्सटाइल मिल के, वो तो बराह रास्त मुलविस हो गया कि उन्होंने सूद पर कर्जा लिया और बिल बनाया, लेकिन उसके अंदर जो सारे काम कर रहे हैं हज़ारों मजदूर, वो जाहिर बात है सानवी दर्जे में है, इसलिए उनके बारे में उतनी सख्त बात नहीं होगी। अब इसी पर कयास कीजिए मल्टीनेशनल्स का, मल्टीनेशनल बेसिकली उसके अंदर हराम बात कोई नहीं है। मल्टीनेशनल से मुराद क्या है कि एक कंपनी जो है वो सिर्फ किसी एक मुल्क में नहीं है बल्कि वो पूरी दुनिया में अपना कारोबार फैला लेती है, मल्टीनेशनल। अच्छा, उसमें फिर ये कि सरमायाकार भी हो जाते हैं पूरी दुनिया के लोग। तो ये इस वक्त दुनिया में, चूँकि दुनिया अब छोटी हो गई है, ये जो है ग्लोबल विलेज बन गया है, तो इस एतबार से जैसे कभी जो है बड़े बड़े मुल्क भी नहीं थे, अब बड़े बड़े मुल्क भी हैं। अब यह है कि वो मुल्कों का भी मामला ये हो गया है कि वो भी गोया के इस ग्लोबल विलेज के मोहल्ले बनकर रह गए, तो वहाँ पर इन कंपनियों का बन जाना ये तो हराम नहीं है फिर नफसे ही, लेकिन इनका सारा मामला भी सूद पर है। और दर हकीकत ये जरिया बन रहे हैं जो थर्ड वर्ल्ड है, जिसे आप कहते हैं कि अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज, उनको एक्सप्लॉयट करने का जरिया बन रहे हैं। इस एतबार से उनमें खबासत है, उससे बचना चाहिए, अगरचे वो तनख्वाहें तो बहुत देंगे। और जो है उसमें अब जाहिर बात है कि आपको मालूम है एक ज़माने में क्या होता था, आपने उसे तो अक्सर ने नहीं देखा होगा, गली गली वो इरेटिन वाटर्स जो है वो सोडा वाटर की बोतलें बनाने के लिए पंप लगे होते थे, वो थोड़े से रुपए से वो पंप लग गया और वहाँ पर वो बोतलें बन रही हैं, वो उसमें गोली होती थी, डाट जो थी गोली वाली बोतल, और वो हर जगह हो रहा काम, तो सब ने गोया के छोटे छोटे उसके करार कर रखे, तो सबको एक काम मिल गया। अब ये सेवन अप की एक कंपनी है और पूरी दुनिया में है और उसके लिए करोड़ों रुपए के ज़रूरत होती है। आप सेवन अप का फ्रेंचाइज यहाँ लेना चाहें तो जाहिर बात है आपको करोड़ों रुपए उसमें लगाने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी जो है ट्रक चल रहे हैं उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, नतीजा क्या हुआ, वो छोटे कारोबारी जो है उनका मामला ख़त्म हो गया। अब पहले ढाबों के ऊपर बैठा हुआ आपको मोहल्ले में कोई बेचारा रोटी खिला रहा है, कुछ कमा रहा है, अब ये होटल्स और उसके अंदर जो खर्चे भी हैं और उसमें बैठने का इसका उसका निज़ाम है,
तो अब वो उनके छोटे जो काम करते थे उनका काम ख़त्म हो गया है, या तो उन्हीं के जो है एक बन जाओ, ब्रांच बन जाओ, उस ब्रांच बनने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। तो इस तरीके से कैपिटलिज्म जो है इस दुनिया में जो एक बहुत बड़ी लानत है, वो ग्लोबलाइज हो रहा है इस वक्त, ग्लोबलाइजेशन इसका नाम है, और ये बहुत बड़ा शर है। लेकिन इसमें वो हुर्मत के एतबार से वही बात रहेगी कि अगर वो भी कर्ज लेकर सारा मामला कर रहे हैं तो वो फिर दर हकीकत मुकम्मल हराम हो जाएगा। अगर ये है कि कर्ज तो लिया हुआ है लेकिन और भी उनका अपना सरमाया भी है, तो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं या उससे जो इस्तेफादा करने वाले हैं उनके लिए मामला उसी दर्जे में निस्बतन हल्का हो जाएगा।